हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड जीके साइंस। अब यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है जिसमें हेल्थ डेज है, इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ डेज है, क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा एक या दो क्वेश्चन जो आते हैं वो हेल्थ डेज, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ डे रहते हैं उनको रिलेटेड होते हैं। चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं जनवरी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हेल्थ डे हैं। तो 12 जनवरी को रहता है नेशनल यूथ डे, नेशनल राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। नेक्स्ट इज 31 जनवरी। 31 जनवरी को एंटी लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है फरवरी में, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था लास्ट 2 ईयर्स पहले, उसमें पूछा था कि वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, व्हेन द वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड ऑन 4 फरवरी। नेक्स्ट देखते हैं मार्च में, जनवरी में है जो दो ही इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड डे हैं, नेशनल यूथ डे एंड एंटी लेप्रोसी डे। नेक्स्ट देखते हैं फरवरी में, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मार्च में कौन कौन से दिन है जो हेल्थ डे से रिलेटेड है। तो 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है, 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे। नेक्स्ट इज 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे। नेक्स्ट देखते हैं 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। नेक्स्ट इज 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। नेक्स्ट इज 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। नेक्स्ट आता है 22 मार्च को वर्ल्ड डिसेबल्ड डे एंड 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एंड 23 मार्च को आता है वर्ल्ड वाटर डे और 24 मार्च को आता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। इनमें से मार्च में दो डे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो है इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को और नेक्स्ट है 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल में कौन कौन से डेज आते हैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेज हैं। अप्रैल में आता है 7 अप्रैल को इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसन डे। नेक्स्ट इज 11 अप्रैल को दो डेज आते हैं, वर्ल्ड पार्किंसन डे एंड नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेक्स्ट आता है 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। तो अप्रैल में 3 डे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक तो है कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन कई बार आया है, और नेक्स्ट आता है 22 अप्रैल को अर्थ डे। नेक्स्ट देखते हैं मई में कौन कौन से दिन है। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे और 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे। जो भी नर्सिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि वर्ल्ड नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन फिर भी 12 मई को वर्ल्ड इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो प्लीज़ याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 19 मई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और 28 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेंस हेल्थ और 31 मई को एंटी टोबैको डे। तो मई में जो इम्पोर्टेंट डे हैं वो हैं 12 मई इंटरनेशनल नर्सेस डे एंड 31 मई एंटी टोबैको डे, ये दो डे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं जून में, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट एंड 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग। तो जून में जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं इनमें से सबसे ज़्यादा याद रखने वाला दिन है कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट देखते हैं जुलाई में, तो जुलाई में एक दो ही दिन हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, एक तो है 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे
और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, दोनों ही दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त में, 1 से 7 अगस्त तक, मतलब अगस्त के जो फर्स्ट वीक रहता है उसमें वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर में, सितंबर में फर्स्ट वीक रहता है सितंबर का, उसमें नेशनल न्यूट्रिशनल वीक सेलिब्रेट किया जाता है, 1 सितंबर to 7 सितंबर। नेक्स्ट देखते हैं 3 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। नेक्स्ट आता है 4 से 11 तक वर्ल्ड फार्मेसी वीक, 4 सितंबर से 11 सितंबर तक वर्ल्ड फार्मेसी वीक सेलिब्रेट किया जाता है। 8 सितंबर को लिटरेसी डे, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा 16 सितंबर। नेक्स्ट देखते हैं 28 सितंबर को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, लास्ट संडे ऑफ सेप्टेम्बर इसमें वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है अक्टूबर में, अक्टूबर में बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड डे हैं। फर्स्ट देखते हैं 1 अक्टूबर को वर्ल्ड एल्डरली डे, 1 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे, 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 11 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। नेक्स्ट आता है 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, और 15 से 19 अक्टूबर के बीच में जो सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है वर्ल्ड ओबेसिटी अवेयरनेस वीक। नेक्स्ट आता है 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है। नेक्स्ट आता है 17 अक्टूबर को रहता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट पॉवर्टी, 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट पॉवर्टी। नेक्स्ट आता है 20 अक्टूबर को वर्ल्ड मलेरिया डे, 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स डे, एंड 24 अक्टूबर को आता है यूएन डे, एंड 31 को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। तो अक्टूबर में बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल डे हैं जो हेल्थ रिलेटेड हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, उनमें से दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है 20 अक्टूबर को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, और नेक्स्ट आता है 31 अक्टूबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट देखते हैं नवंबर में, तो नवंबर में 10 नवंबर को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, 13 नवंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, एंड 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, एंड 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। नेक्स्ट आते हैं दिसंबर में, तो दिसंबर में 1 दिसंबर को रहता है वर्ल्ड एड्स डे, 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, एंड 10 को ह्यूमन राइट्स डे। तो ये जो भी डे हैं ये सारे हेल्थ से रिलेटेड डे हैं, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आते ही हैं। एक तो ये वर्ल्ड एड्स डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, एंड तो ये सभी दिन याद रखिए आप, ये एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।